देवेंद्र चंद्रवंशी हमारे अस्पताल में अरविंदो मेडिकल कॉलेज पीजी इंस्टीट्यूट में, जो कि कोविड 19 का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, वह घबराहट हो रही थी, उसको लाके भर्ती किया था। 30 मार्च से उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर व सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रखा था। उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव थी। 10 तारीख को उसको साइटोकाइनेस क्राइसिस स्टॉर्म हुआ, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। सभी डॉक्टरों से इंडिया और बाहर कर कोऑर्डिनेट कर उसे एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दिया गया, वह थेरेपी विग्रस थेरेपी दी गई। 13 अप्रैल को उसका फिर से सैंपल भेजा, वो फिर से पॉजिटिव आया। हमने ट्रीटमेंट विग्रस ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा और 16 तारीख को उस पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। एक्सरे में राइट साइड का लंग बिल्कुल क्लियर, लेफ्ट साइड का लंग पूरा क्लियर हो गया, राइट साइड में करीब करीब 50% उसको इम्प्रूव हो गया। 17 तारीख को हमने फिर से सैंपल भेजा, वह भी निगेटिव आया और उसके लंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मेंटेन कर रहे थे वो, और उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे। कल रात को 11:30-12 बजे उन्हें खूब सांस चलने लगी, वो उनकी हार्ट रेट खूब बढ़ गई और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया।